कोरोना जैसी महामारी भी तात्कालिक जिससे हमारी स्पीड को कम करने के लिए थोड़े बहुत ब्रेकर के रूप में कोविड सामने आया है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे 7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे 7वें स्थान तक चल रही थी, और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 45,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा, और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने कुछ अन्य बातें इस दौरान तय की, खासतौर पर निवेश के लिए सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो, इसके लिए व्यवसाय की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी निवेशक होता वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा तो जो 3 महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा, और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर हर एक जगह अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी असर पड़े, रोजगार पर विपरीत असर पड़ा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक की। हम अपना सीडी रेशो बढ़ाने में सफल रहे। जिस राज्य में बैंकों में जमा धन जमा प्रदेश की पूंजी के अनुपात में 41% लोग ही लोन ले पाते थे, उस राज्य में यह बढ़कर के लगभग 57 से 60% तक पहुंचा है। सीडी रेशो को हमने बढ़ाया। एमएसएमई सेक्टर में व्यापक पैमाने पर लोन उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए, तकनीक को बढ़ाया, और जब देश की प्रतिष्ठित संस्था
ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है।